हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई लव डिजाइन। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज कोरल ड्रॉ की एक और एडवांस क्लास आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था ड्रॉप शेडो टूल के बारे में, कि ड्रॉप शेडो टूल हमारा होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, और साथ ही इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी जो है हमने डिटेल्स में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो काइंडली चैनल पर वापस जाएं। यहाँ ऊपर आप लोग को आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वीडियोस को जरूर देखना। एंड आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ब्लॉक शेडो टूल के बारे में, कि ब्लॉक शेडो टूल हमारा होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी जो हम डिटेल्स में जानेंगे। ब्लॉक शेडो टूल एक तरह का लॉन्ग शेडो इफेक्ट होता है। बहुत सारे टाइपोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से डिजाइन हमारा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा खूबसूरत से लगता है। ब्लॉक शेडो टूल का हम यूज किसी शेप, टेक्स्ट और लाइन के ऊपर हम करते हैं। तो क्या है प्रोसेस ब्लॉक शेडो टूल का यूज करने का, और उसी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये सब कुछ सीखने के लिए हमको चलना होगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम जो है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि ब्लॉक शेडो टूल हमारा होता कहाँ है। यहाँ लेफ्ट साइड में टूल बार में आप आएंगे, तो यहाँ अभी हमने जो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने ड्रॉप शेडो टूल के बारे में पढ़ा था, सेम उसी के अंदर फ्लाई आउट पे अगर आप अपने माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखते हो, तो यहाँ सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे ब्लॉक शेडो टूल आपको दिख रहा होगा। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आपका ब्लॉक शेडो टूल एक्टिव हो जाता है, और आप कर्सर का आइकन देख सकते हैं कि वो ब्लॉक शेडो टूल में जो है एक्टिव हो चुका है। यहाँ ऊपर की तरफ इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, अभी हम वन बाय वन करके इन सबको बहुत ही डिटेल में जानेंगे। जैसा कि मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ब्लॉक शेडो टूल का यूज हम किसी शेप पे कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट पे कर सकते हैं, किसी लाइन के ऊपर कर सकते हैं। ब्लॉक शेडो टूल यूज करके हम अपने टेक्स्ट के डिजाइन को जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं कुछ यहाँ कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल जो है सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ जैसे द मून, और इसका मैं थोड़ा सा साइज जो है बड़ा कर लूंगा, लगभग इतना, और इसको मैं थोड़ा बोल्ड फॉन्ट ले लेता हूँ इसके अंदर। यहाँ से मैं इसको इम्पैक्ट फॉन्ट ले लूंगा, और इन दोनों के लेटर के जो है इस लाइन हाइट का जो स्पेस है इसको मैं खत्म करूंगा। शेप टूल लूंगा और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ यूं ड्रैग करके इसके स्पेस को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है जी। एंड यहां से मैं अपने फॉन्ट का कलर जो है चेंज कर लेता हूँ, यहां से मैं इसको रेड ले लेता हूँ। अब आते हैं अपने ब्लॉक शेडो टूल के ऊपर। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, मेरा ब्लॉक शेडो टूल जो है वो एक्टिव हो चुका है, एंड मैं अपना माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके यूं ड्रैग करूंगा, लगभग इस तरीके से इतना। तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लू कलर की आउटलाइन सी जो है इसके साथ डायरेक्शन में जो इसके साथ साथ आ रही है, यही हमारी ब्लॉक शेडो है। और जैसे ही मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन रिलीज करूंगा, कुछ इस तरीके से जो है मेरा ब्लॉक शेडो क्रिएट हो चुका है। एंड अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने इतना ही क्रिएट किया है, और अभी सिमिलर डिजाइन जो है खूबसूरत सा लगने लग गया है। बाय डिफॉल्ट जो इसका कलर है वो ब्लैक आता है, आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है डेप्थ है, आप इसके डेप्थ को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर इस अपर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप इसके डेप्थ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और यहां से इसके डेप्थ को जो है डिक्रीज कर सकते हैं। सेम चीज आप अगर यहां से अगर यूं इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे तो आप इसके डेप्थ को जो है इंक्रीज करेंगे, और इसकी वैल्यू को अगर आप कम करते हैं तो आप इसके डेप्थ को जो है डिक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो है डायरेक्शन, मींस कि आप ब्लॉक शेडो का डायरेक्शन कहां रखना चाह रहे हैं। यहां से आप इस पॉइंट को अगर बढ़ाते हैं तो आप इस तरीके से डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है डायरेक्शन कम कर सकते हैं। आप इस पॉइंट से भी अपने हिसाब से डायरेक्शन को आप जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां अपने शेडो को जो है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट अगर मालूम है तो आप यहां सिंपली इसको टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। अगर मान लीजिए मैं 45 अगर एंटर प्रेस करता हूं तो मेरा 45 डिग्री पे जो है
इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वापस इसको मैं कंट्रोल जेड अंडो कर रहा हूं एंड यहां से आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं ब्लॉक शेडो का। आप जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो कलर पैलेट खुल जाएगा, आपको जो कलर रखना है आप वो कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। एंड दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली इस पे क्लिक करें एक बार और यहाँ पे आपके सामने ये कलर का पैलेट खुल जाएगा। आप इसे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको कलर पैलेट मिल जाएगा और यहाँ से आप जो है कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। एंड जो एक थर्ड जो तरीका और है कलर चेंज करने का, वो ये है कि आप ब्लॉक शेडो टूल पे एक्टिव रहते हुए आप यहां से किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करें, आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन होल्ड रखना है, रिलीज नहीं करना है। सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करके यू कलर को ड्रैग करके लाएं इस तरीके से और सिंपली आप इस पे लाके छोड़ दें, तो आप इस तरीके से भी जो है ब्लॉक शेडो टूल का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं वापस ब्लैक कर दे रहा हूं इसको। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है ओवरप्रिंट ब्लैक ब्लॉक शेडो। अच्छा, ये ओवरप्रिंट ब्लॉक शेडो होता क्या है, आप इसको हमेशा मतलब ऑन रखिए। मींस कि कब ऑन रखना है, जब आप अपने डिजाइन में अगर ब्लॉक शेडो का अगर यूज कर रहे हैं तो आप इसको ऑन रखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप ब्लॉक शेडो का इफेक्ट लगा रहे हैं तो आप उसको प्रिंट भी जरूर कराएंगे। अगर आप प्रिंट के लिए रख रहे हैं तो आप जरूर इसको ऑन रखें। एंड इससे होगा क्या, आपने जो इफेक्ट अप्लाई किया है अगर आप इस बटन को अगर अनचेक करते हैं तो थोड़ी बहुत प्रिंट के टाइम पे खराबी आ सकती है, बट अगर आप इसको चेक रखते हुए एक्टिव रखते हुए अगर आप इसको प्रिंट देते हैं तो आपका डिजाइन एज इट इज रहेगा, उतनी क्लैरिटी रहेगी, उतना ही आपका डिजाइन जैसा जैसा आपने बनाया है सेम वैसा ही रहेगा, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं होगा, एज इट इज जो है वो प्रिंट भी हो जाएगा। इसको प्लीज अगर आप इस इफेक्ट को अगर यूज कर रहे हैं तो प्लीज आप इस पे चेक लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा है सिंप्लीफाई। अच्छा, सिंप्लीफाई क्या काम करता है, सिंप्लीफाई अगर हमारे कोई टेक्स्ट में अगर कोई होल्स वगैरह अगर होते हैं तो वो उसको सिंप्लीफाई करके उस होल्स वगैरह को जो है खत्म कर देता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिमूव होल्स। अच्छा, ये रिमूव होल्स क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहां से कोई इलिप्स लिया और मैं इसको कंट्रोल के साथ यूं ड्रैग करके मैंने एक छोटा सा इलिप्स बनाया और यहां से मैं इसकी आउटलाइन की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। वापस मैं आऊंगा ब्लॉक शेडो टूल के ऊपर और यहां से मैं थोड़ा सा ब्लॉक शेडो का इफेक्ट देता हूं लगभग इतना, और मैं इसका कुछ कलर चेंज कर देता हूं अपने आउटलाइन का। जैसे कि मैंने यहां ब्लू कलर ले लिया है आउटलाइन का और इसका शेडो का कलर ब्लैक है। अब जैसे ही मैं रिमूव होल्स पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, इस व्हाइट स्पेस को जो है पूरा खत्म करके पूरा ब्लैक में इसको फिल कर देगा। तो जैसे मैं रिमूव होल्स पे क्लिक करता हूं लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ये इफेक्ट को अप्लाई करता है, जो भी होल्स वगैरह होंगे उसको वो खत्म कर देगा। ओके, नेक्स्ट हमारा इसी के साथ क्या है, नेक्स्ट हमारा है जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन। अगर जैसे कि मान लीजिए मैंने ये टेक्स्ट जो है मैंने टेक्स्ट के ऊपर ये इफेक्ट लगाया है एंड इसके ऊपर मैं कुछ आउटलाइन का अगर इफेक्ट लगाना चाह रहा हूं तो वो मैं यहां से लगा सकता हूं। आउटलाइन का इफेक्ट लगाने के लिए आपको पहले इस बटन को एक्टिव करना होगा एंड यहां से कोई वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। लाइक मैंने यहां से जैसे 5 mm पुट करी और मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आउटलाइन जो मेरी क्रिएट हो गई है। आप यहां से इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एंड हमारा क्या है सबसे लास्ट में, यह क्लियर ब्लॉक शेडो। आप जैसे क्लियर ब्लॉक शेडो के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी इफेक्ट आपने अप्लाई किया था वो सारा कुछ खत्म कर देगा, आपका टेक्स्ट बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप लोग को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी, और बहुत छोटी सी क्लास थी बट आप लोग को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये क्लास जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट भी करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी एंड क्या सीखा आज की क्लास में, ये जरूर बताना। और अब तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोग को आज की ये छोटी सी क्लास ब्लॉक शेडो से संबंधित, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप लोग तक पहुंच सके। और आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास यार पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना।
और शेयर जरूर करना क्लास को, एंड ये जरूर शेयर करें कि आप लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा, मुझे कमेंट करके बताएं। और कुछ अगर आप लोग के सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, वहां आप लोग को रिप्लाई जो है मिल जाएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।